आज हम कर रहे हैं इंजन बे की क्लीनिंग, और इसमें मैं कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करूँगा। मैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल हो, ताकि ये हर कोई खुद घर में ट्राई कर सके। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डिश वॉशिंग लिक्विड और पानी का एक सोल्यूशन, साथ ही मेरे पास एक टूथब्रश, कुछ शॉपिंग बैग्स और एक स्टील वायर ब्रश, जो कि ईजिली आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम डिश वॉशिंग सोल्यूशन की हेल्प से नॉन ग्रीसी पार्ट्स पर स्प्रे करेंगे और साथ ही टूथब्रश से उसको रब करते जाएंगे। ये टूथब्रश मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके टाइट स्पॉट्स पे भी ये आसानी से पहुँच सके, और यहाँ पे वायर ब्रश मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि वो आपके पेंट को डैमेज कर सकता है। इसी टूथब्रश और सोल्यूशन की हेल्प से आप सारी स्पॉट्स को अच्छी तरह से स्प्रे करके उनको साफ करते जाएं। अगर आप चाहें तो आप बैटरी को यहीं पे भी साफ़ कर सकते हैं, मगर मेरे लिए ये ज़्यादा इजी था कि मैं इसको निकाल के आराम से अलग से अच्छी तरह साफ़ कर लूँ। तो जैसे आपकी प्रेफरेंस हो आप वैसे इसको साफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रीसी पार्ट और मेटल के लिए मैं एक स्टील वायर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ये फ़िलहाल एक ही ब्रश अवेलेबल था। अगर आप चाहें और आपके लिए इजी हो तो आप यहाँ पे एक छोटे साइज़ का वायर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपने डिश वॉशिंग सोल्यूशन को स्प्रे करके वायर ब्रश की हेल्प से उस एरिया को अच्छी तरह साफ़ करते जाएं। अब मैंने सारे एरियाज़ को डिश वॉशिंग लिक्विड की हेल्प से अच्छी तरह साफ़ कर लिए, और अब इन सब पार्ट्स को वॉश करने से पहले मैं ऐसे जो पार्ट्स हैं जिनमें सारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंपोनेंट्स हैं उनको मैं शॉपर या शॉपिंग बैग से अच्छी तरह कवर कर लूँगा ताकि उनमें पानी ना जाए। वॉशिंग के लिए भी मैं कोई फैंसी इक्विपमेंट या हाई प्रेशर वॉशर नहीं यूज़ कर रहा, बल्कि मैं एक नॉर्मल पाइप यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप सब भी ये घर में खुद ट्राई कर सकें। अब ब्रश की हेल्प से और पानी की हेल्प से उन सारे पार्ट्स पे जहाँ पे आपने डिश वॉशिंग लिक्विड लगाया हुआ है उनको आप साफ़ करते जाएं। यहाँ पे बैटरी को मैंने सेपरेटली साफ़ किया है और इसको मैं वापस प्लग इन कर दूँगा, और ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट, जो कि मेरे ख्याल में एक डिश वॉशिंग लिक्विड और सिर्फ पानी के लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो यही रिज़ल्ट आप अपने घर में अवेलेबल प्रोडक्ट से ख़ुद भी अचीव कर सकते हैं, और अगर आप ये ख़ुद ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।